उन्होंने संविधान की टिप्पणी जो अपने मुखारविंद से पार्लियामेंट में की थी वो सुन के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ध्यान देना। और जितने अंशों में संविधान पालन करने योग्य भारतीय संविधान की 25वीं धारा के अनुसार जैन बौद्ध सिख इत्यादि हिंदू उद्घोषित किए गए तो उसका अनुपालन हुआ? अगर जैन बौद्ध सिख इत्यादि भी भारतीय संविधान की 25वीं धारा की सीमा में हिंदू उद्घोषित होते तो पूरे विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से हिंदू दूसरे स्थान पर होता। संविधान में भी जो अनुपालन करने योग्य बिंदु उसकी तो पूर्ण उपेक्षा कर दी गई। संविधान बनाने का जिनको श्रेय जाता है उन्होंने जो संविधान पे टिप्पणी की थी, अपनी भी समीक्षा की थी, वो तो सुन के रोंगटे खड़े हो जाते। अच्छा, एक तथ्य, शिवाजी के शासन की प्रशंसा हम करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जी के शासन की हम प्रशंसा करते हैं, विक्रमादित्य जी के शासन की हम प्रशंसा करते हैं, धर्मराज विष्ठिर जी के शासन की हम प्रशंसा करते हैं, भगवान राम भद्र के शासन की हम प्रशंसा करते हैं, रघुवीर इत्यादि महानुभावों के शासन की हम प्रशंसा करते हैं। शासक और शासन की प्रशंसा करते हैं इस संविधान को क्रियान्वित करने के कारण इन शासकों और इनके शासक की प्रशंसा की जाती है, वो संविधान की आलोचना करने योग्य उसी का नाम मनुस्मृति है, ध्यान दिया। शासक की हम प्रशंसा करते हैं, शासन की हम प्रशंसा करते हैं, संविधान को हम पोषते हैं, विचार करने की आवश्यकता है। जिन जिन शासकों की विश्व स्तर पर प्रशंसा की जाती है, उनके शासन की प्रशंसा की जाती है, उन्होंने किस वैदिक संविधान को क्रियान्वित किया जिसके कारण उनकी प्रशंसा की जाती है, उनके शासन की प्रशंसा की जाती है, इस पर तो समीक्षा होनी चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए, उसी का नाम वैदिक संविधान मनुस्मृति है। मनुस्मृति का सारांश अगर मैं बोलूं तो सुनिए, जिस प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति निकलती जाए, इस प्रवृत्ति की सराहना नहीं की जाती, गति वही है जो गंतव्य तक पहुंचाने में समर्थ हो। प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में है, निवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में है, पूरी मनुस्मृति का सारांश सही है, वैदिक वाङ्मय का सारांश सही है। जितने भौतिकवादी हैं उनको शाप लगा हुआ है, तुम्हारी प्रवृत्ति का पर्यवसान कभी निवृत्ति में नहीं होगा, तुम्हारा करना पाना जानना कभी पूरा नहीं होगा। मनवाद धर्म शास्त्रों को न मानिए, पूरे मनुष्य को साथ मिला हुआ है, कभी करना पूरा नहीं होगा, कभी जानना पूरा नहीं होगा, कभी पाना नहीं पूरा होगा। और अगर मनवादी धर्म शास्त्रों को मानते हैं तो गीता के तीसरे अध्याय के अनुसार विचार कीजिए, यस्त्वात्मरतिरेवस्या धातुचित्तस्तवरोह आत्मनियत्य संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनार्थस्वनाम न कास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपासया कर्तव्यम नावशिष्यते कृतकृत्यश्च जायते। गीता का सातवां अध्याय, तेरहवां अध्याय, पंद्रहवां अध्याय, अध्यात्म तत्व को जानने वाला का कुछ कर्तव्य ज्ञातव्य प्राप्तव्य शेष नहीं रहता। आजकल की विधा से कर्तव्य ज्ञातव्य प्राप्तव्य का कभी अंत ही नहीं हो सकता, इसलिए पूरा विश्व असफल है। असफल तब तक रहेगा जब तक वो भारतीय संविधान मनुवादी धर्म शास्त्रों के प्रति आस्थापित होकर आमूलचूल परिवर्तन का पक्षधर नहीं होगा, हम लोगों की बात पर ध्यान नहीं देगा।